भारतीय जनता पार्टी का द्वारा तेलंगाना इलेक्शंस में प्रचार के लिए ये महीने 15 तारीख को पालमूर में एक आम सभा होगा। उसके सभा में अमित शाह जी बीजेपी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वो एड्रेस करेंगे। वो दिन से हमारा इलेक्शन कैंपेन तेलंगाना में शुरू होगा। 15 तारीख को महबूबनगर में 1 लाख कम से कम लोगों के बीच में ये आम सभा होगा। उसके बाद हर विधानसभा में, हर असेंबली क्षेत्र में नेशनल लीडर्स के द्वारा आम सभा होगा। इलेक्शन कैंपेन देश भर में होगा, वैसे ही तेलंगाना में भी होगा। आज टीआरएस पार्टी से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ कम्युनल पार्टी बोलते हुए दूसरे तरफ मजलिस पार्टी के साथ क्यों चल रहे? मजलिस पार्टी फ्रेंडली पार्टी बोल के आप जो घोषणा किया है, मजलिस पार्टी कोई सेक्युलर पार्टी है क्या? मजलिस पार्टी नेताओं को उसका बिजनेस के लिए सरकार का लैंड अलॉटमेंट किया गया, क्यों किया गया? उनके बिजनेस के लिए सरकार का लैंड, गरीबों को देने का लैंड क्यों मजलिस पार्टी नेताओं को अलॉटमेंट किया गया, ये जनता के द्वारा मैं पूछना चाहता हूं। दूसरा, आप कल जो कैंडिडेट 105 कैंडिडेट्सों को घोषणा किया है उसमें सिर्फ 2 ही लोगों को, मुस्लिम लोगों को दिया है। आप रियल सेक्युलर पार्टी है तो मुस्लिम वोट आपको डालना है तो क्यों आप मुस्लिम एरिया में जो मुस्लिम लोग रहते हैं उस एरिया में क्यों आप मुस्लिम लोगों को टिकट नहीं दिया गया? चंद्रागुट्टा में नहीं दिया, याकतपुरा में नहीं दिए, कारवान में नहीं दिए, नामपेले में नहीं दिए, नॉन मुस्लिम किधर दिया गया? आप रियल, आप सेक्युलर पार्टी बोले तो आप मुस्लिम के विचार के आधार पर जो आप उनका भला करना चाहते हो, राजनीति में क्यों आप एंकरेजमेंट नहीं कर रहे? हम यही बताना चाहते हैं, सिर्फ दिखाने वाले आपका सेक्युलर पार्टी है, कोई सेक्युलर पार्टी नहीं है। खाली मजलिस पार्टी को खुशी करने के लिए आप अलग अलग कार्यक्रम ले रहे। मजलिस पार्टी के हाथ में आप सिर्फ खिलौना है, मुस्लिम के जनता का हित में काम नहीं कर रहे, सिर्फ मजलिस पार्टी के हित में काम कर रहे, मुस्लिम लोगों के हित में कोई कार्यक्रम नहीं है आपका।